अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी में रहने वाले गैर मुल्कियों को जो है वो आखिरी मौका दिया गया है। एक नया कानून जो है सऊदी अरब में इशू हो गया है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, बहुत सारी गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं और एक औरत की वीडियो वायरल हो रही है काबा शरीफ के सामने। वो अजीब हरकतें कर रही है, कुछ डांस साइट का टिकटॉक वगैरह जो है वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है वहाँ पर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है टिकटॉक वगैरह पर और सोशल मीडिया पर वायरल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके कंसर्न चाहे तो कमेंट वगैरह में आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला जो अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूंगा वो जो है ट्रैफिक की तरफ से आया। ट्रैफिक वालों ने जो है 1000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें मात्र एक हफ्ते में फिर से जो है उन लोगों ने जब्त किया है, पकड़ा है जो जो है वायलेशन कर रहे थे जो वहाँ के रूल्स है, रेगुलेशन है, रोड ट्रैफिक के नियम है, उन सब रूलों के वायलेशन में पाए गए हैं सऊदी अरब में। चूँकि अभी समझिए ये कुछ चंद महीनों से या एक दो साल से जो है ये कुछ ज़्यादा ही प्रचलन में आ गया है कि वहाँ पर बाइक राइडर्स की ज़रूरत पड़ती है जॉब के लिए, डिलीवरी कंपनियाँ जो है उनको हायर करती हैं, लेकिन ये अभी वहाँ पर उतने आदि नहीं हो पाते, वहां के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं और जब्त होती हैं। बताया जाता है हमेशा ट्रैफिक की तरफ से कि जो रूल जो है फोर व्हीलर के लिए है वही रूल जो है टू व्हीलर के लिए भी है, वही सब रूल जो है उनको फॉलो करना होता है और वो लोग फॉलो जब नहीं करते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो गाड़ियां सीज हो जाती हैं उनकी। तो ज़रा ध्यान से अगर आप सऊदी अरब में कोई भी डिलीवरी बॉय का डिलीवरी बाइक राइडर का काम करते हैं तो इस बार जो है काफ़ी अच्छा एक सहूलियत दिया जा रहा है हाजियों के लिए। पहले भी सहूलियत था लेकिन और ज़्यादा इसको बढ़ाया गया है वाईफाई के रिगार्डिंग, यानी अब जो हाजी जहाँ भी रहेंगे मैक्सिमम जगहों से अपने घर गांव देश में कनेक्ट हो सकेंगे मोबाइल के जरिए। वाईफाई की सुविधाएं 10,500 जगहों पर वाईफाई की सुविधाएँ जो की गई हैं और वो 5G का जो कवरेज होता है, 5G का जो नेटवर्क होता है उससे लैस रहेंगे, यानी स्पीड भी अच्छी रहेगी। ये जो है एक्सपेंड किया गया, पहले जो है थोड़ा कम जगहों पर था लेकिन अब ये जगहें बढ़ा दी गई हैं। मैक्सिमम जगह पे कोशिश किया गया है जहां पे हाजी मौजूद रहे वहां पे वो पल पल अपने घर वालों से चाहे तो कनेक्ट रह सकते हैं मोबाइल फोन के जरिए। एक वीडियो जो है काबा शरीफ के सामने एक नाजेबा हरकत एक औरत के द्वारा किया जा रहा है। ये औरत हो सकता है कि आप देख रहे हो तो हो सकता है ऐसा लगे कि कोई ये मतलब सूडान या फिर ऐसे वेस्ट इंडीज, मतलब जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां से रिलेटेड लग रही है और ये हो सकता है कि उमरा करने परफॉर्म करने जा रही है और सब लोग उमरा कर रहे हैं और ये जो है काबा शरीफ के सामने अपना वीडियो बनवा रही है और वीडियो बनवाते हुए कुछ नाचने वाली हरकतें कर रही है। ये अजीब नाजेबा हरकत है और ये बचगाना हरकत है और ये गुनाह है। अब वहाँ पे आप जाते हैं सवाब के नियत से, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो कि एकदम गलत होता है, बियॉन्ड द लाइन होता है, शरीयत से एकदम हटके। वहाँ पे लोग जानते हैं तो जाते ऐसे हैं कि एक अलग ही कनेक्शन रहता है कि मैं हूँ और अल्लाह है, अल्लाह मुझको देख रहा है, उसके घर के इतने करीब आ गया हूँ, लेकिन वहाँ पे भी जाके लोगों ध्यान देता है कि मेरे सोशल मीडिया पे जरा मैं लाइव आ जाऊँ या मेरे सोशल मीडिया पे जरा नाच के दिखा दूँ, उस टाइप की कुछ हरकत कर रही है। इसको आप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल है। मेरे को बोलेंगे आप क्यों शेयर कर रहे हैं, आप अगर यहाँ पे नहीं देखे होंगे तो कहीं ना कहीं से ज़रूर देखे होंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इसकी लानत इसके ऊपर भेजा जा रहा है। लोग जो है इसको जो है बोल रहे हैं कि कितना ख़तरनाक और गलत हरकत कर रही है और लोग इस ऐसी हरकतें ना करें जिन लोगों के दिमाग में ऐसा आता है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि वीडियो को शेयर करके बताया जाए कि भैया ये नाजेबा चीज़ है, सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा जो है निगेटिविटी इसको मिल रही है। और सऊदी अरब में नया कानून जो है लागू कर दिया गया है जो कि 15 जून से जो है शुरू हो जाएगा। गैर मुल्कियों के हक़ में काफ़ी अच्छा ये कानून है जो नया कानून जो है लागू है। हर साल ये होता है जब गर्मी का सीज़न आता है तो 15 जून से लेकर 15 सेप्टेम्बर तक जो है 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक जो है धूप के सामने मतलब डायरेक्ट सनलाइट में काम करने से मना किया गया है। अब ये भी बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो अपने वर्कर को डायरेक्ट सनलाइट में 12 बजे से 3 बजे के बीच में काम करवाती है इन 3 महीनों के अंदर में तो उसका कंप्लेन चाहे तो उस कंपनी का कंप्लेन जो है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे कर सकते हैं या फिर जो है 1-99-11 पे कॉल करके भी इसकी शिकायत कर सकते हैं कि ये कंपनी ऐसा कर रही है, वो वायलेशन कर रही है, तो उस कंपनी के ऊपर जो है फाइन भी लग सकता है। यानी वर्करों के हक़ में ये काफ़ी अच्छा सहूलियत है, काफ़ी अच्छा है। पूरे गल्फ़ कंट्री में चूंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है तो हर जगह जो है हर गल्फ़ कंट्रीज़ में दोपहर के टाइम में काम करने में मनाही होती है। जो भी कंपनी या स्पॉन्सर काम करवाते हैं डायरेक्ट सनलाइट में उनके ऊपर फ़ाइन का भी प्रावधान लगाया जाता है। और जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब में रह रहे हैं उनको जो है एक अलग मौका मिला है, एक आखिरी चांस मिला है, हज करने का चांस मिला है। अब ये हज करने का चांस अभी भी उनके पास मौका है, वो चाहें तो
अभी भी हज कर सकते हैं। उसके लिए जो है 48 घंटे का जो टाइम पीरियड था रजिस्ट्रेशन का हज के लिए, उसको बढ़ा दिया गया। वेबसाइट है localhaj.gov.sa, इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस साल हज पैकेज में आप भी इंक्लूड होकर और हाजी बन सकते हैं, हज कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी अगर अभी तक इंतजाम नहीं हो पाया था और अभी हो गया है, तो वो तुरंत जो है इस पे चाहे तो रजिस्ट्रेशन करके सऊदी अरब में है तो इस साल हज परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो हज प्रोवाइड किया जा रहा है जिस कंपनी के द्वारा, जिस पैकेज के द्वारा, उस पैकेज का नाम है अबराज कदानत अल वादी 6 पैकेज, ये पैकेज का नाम है। यह हज के जो वेबसाइट है लोकल हज की, वहाँ से जो अगर आप सऊदी अरब में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और एक और जो है रूल अब शुरू हो गया है, वो ये है कि कोई भी अनऑथराइज जो है बाइक हो या फिर कार हो, कोई भी गाड़ी हो, उसको जो है उसकी एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है 5 दुलहज्जा के दिन से, यानी 5वां जो दिन होगा कुर्बानी का, अभी ये जो महीना चल रहा है बकरईद का दुलहज्जा का, उसमें 5 तारीख से जो है इस पे पूरी तरह से हज के सीज़न तक मनाही रहेगी कि अनऑथराइज बिना परमिशन के कोई भी बाइक कोई भी गाड़ी जो है जो रिचुअल परफॉर्म करने वाली जो जगहें होती हैं, जो साइट्स होते हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है। रियाद रीजन में जो है एक वेयर हाउस पे छापेमारी किया गया है। उस वेयर हाउस में जो है वायलेटर लोगों को भी पकड़ा गया है, जो लोग जो है जो सामान, जो खाने पीने की चीज़ होते हैं, जो पैक्ड फूड आइटम होते हैं, उसके डेट एक्सपायर होने के बाद उस पर नया एक्सपायरी डेट चढ़ा रहे थे, यानी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में पूरी तरह से बेचने की तैयारी कर रहे थे नया एक्सपायरी डेट लगा करके। और ये कालाकांडी करते हुए इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पकड़ा है और ये पूरे सामान को जो है सील कर दिया गया है, वायलेटर को भी पकड़ा गया है। मतलब वहाँ के भी मार्केट में लोग इस तरह की कालाकांडी करते हैं, और पैक्ड फूड जो लोग खाते हैं उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। भैया पैक्ड फूड खा रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं पहले से भी इसमें कुछ कालाकांडी करके डेट वगैरह नया चढ़ा के और लोगों को भेज दिया गया और आप भी उसको खा लें और फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाए। क्योंकि सऊदी अरब में एक रेस्टोरेंट में ऐसे ही हुआ था और सैकड़ों लोग जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की तरफ से जो है एक अपडेट आया, एक डेटा आया है सऊदी के लिए, काफ़ी अच्छा है। बताया गया है कि सऊदी अरब का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बूम करने वाला है, बूस्ट पे जाएगा। वो 2034 तक जो है टूरिज्म सेक्टर जो है वो 836 बिलियन रियाल जो है वो कमाएगा, और ये सऊदी के इकोनॉमी में बड़ा बूस्ट देगा और उसकी जो जीडीपी है 16% तक बढ़ा देगा। 16% तक जो है टूरिज्म सेक्टर से जो रेवेन्यू आएगा उसमें जो है सऊदी अरब के जीडीपी में 16% योगदान टूरिज्म का रहेगा। तो मतलब जीडीपी वहाँ की बढ़ेगी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको जीडीपी बोलते हैं। इंडिया में काफ़ी हल्ला रहता है कि जीडीपी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा क्या नहीं। चलिए आज की वीडियो करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं ऐसा कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।